गाड़ी में चार लीवर दिए गए हैं, कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं है, चारों लीवर का अलग अलग काम है। अपना पहला लीवर है जो कि हमारा स्टीयरिंग का काम करता है। इस मैंने लीवर को आगे की तरफ पुश किया तो गाड़ी लेफ्ट टर्न ले ली। और ये देखो गाड़ी पीछे वाला पार्ट इसका मूव होता है। इसमें से दो बूम निकलते हैं, एक पहला एक दूसरा। ये आपका तकरीबन 20 फुट आगे तक जाएगा और हमें आगे से कोई मशीन उठानी होती है तो इस लीवर को हम। तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आज आपका स्वागत करता हूं आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो रहने वाली है हेडरा क्रेन के ऊपर जो कि मेरे पीछे खड़ी है। ये क्रेन 12 टन 36 फीट में आती है, एस कंपनी की गाड़ी है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस गाड़ी को चलाना कैसे है, इसको ऑपरेट कैसे करना है, क्योंकि रिसेंटली में जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो डाली थी जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और ट्रैफिक होने के चक्कर में ये वीडियो पूरी नहीं हो पाई। सो आज की वीडियो में डिटेल्ड में मैं बताऊँगा इस गाड़ी को ऑपरेट कैसे करना है, ये चलती कैसे है। अगर आज की वीडियो आपने देख लिया तो इस गाड़ी को चलाना सीख जाओगे गाइस। पिछली वीडियो भी इसी क्रेन के ऊपर है जिसमें मैंने बताया है कि आप इस क्रेन को कितने दिनों में चलाना सीख जाएंगे और इसको चलाने के बाद आप भारत में अपने देश में अपने परिवार के साथ महीने की कितनी सैलरी अर्न कर सकते हैं। क्या बोला तूने? अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको ये क्रेन चलाना बहुत इजी लगेगा और बहुत आसानी से इसको चला पाओगे। लेकिन आपने इस वीडियो को कहीं भी स्किप कर दिया तो आप इसको कहीं ना कहीं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दोगे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो आप लोग देख रहे हो कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और मैं वीडियो बनाने के लिए क्रेन कुछ खाली रोड पे लेकर आ गया हूँ जहाँ पे बिल्कुल ही ट्रैफिक नहीं है, बहुत कम ट्रैफिक है। एक बात मैं आपको काम की बता दूँ, इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील नहीं होता है। इस गाड़ी को चलाने के लिए सिर्फ इसमें चार लीवर दिए जाते हैं। लीवर का काम अलग अलग होता है, आपने चारों लीवर के बारे में समझ लिया तो ये गाड़ी चलाना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। भूलना मत यार सब्सक्राइब करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी मेरे 8000 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, मेरा कम से कम 20,000 सब्सक्राइबर आप पूरे करवा दो। अरे तू जा रही? तो हम चलते हैं इसके कैबिन में जहाँ पे इसके सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। उस कंट्रोल्स का यूज करके ड्राइवर इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं एक्चुअल में। तो ये है इसका कुछ डैशबोर्ड, यहाँ अलग अलग बटन दिए गए हैं जिनका अलग अलग काम है, ठीक है। ये इसकी चाबी और मैं बैठता हूँ सीट पे। सो गाइस, अंदर बैठने के बाद कुछ ऐसा व्यू आने का और जिसमें मैं एक काम की बात आपको बता दूं, अगर आप ये गाड़ी चला रहे हो तो बहुत ध्यान से इस गाड़ी को चलाना पड़ता है क्योंकि इस टाइम ड्राइवर साइड का यानी राइट साइड का व्यू आपको नजर आ रहा है, लेकिन आप यहां से इस गाड़ी को चलाओगे तो आपको लेफ्ट साइड का व्यू नजर नहीं आएगा। तो आपको हर एक सेकंड में लेफ्ट साइड की तरफ जरूर देखना है, आपको दोनों साइड प्रॉपर ध्यान रखना है। सो दोस्तों, इस गाड़ी में चार लीवर दिए गए हैं, कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं है, चारों लीवर का अलग अलग काम है। तो मैं पहले लीवर के बारे में डिस्कस करूंगा और एक एक चीज प्रैक्टिकली में बताऊंगा कि ये क्या काम करता है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। पहला लीवर है जो कि हमारा स्टीयरिंग का काम करता है, आप यहाँ देख रहे होंगे। अगर हम इसको आगे करेंगे तो गाड़ी लेफ्ट टर्न लेगी और अगर हम इसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो गाड़ी राइट टर्न लेगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मुझे गाड़ी स्टार्ट करना पड़ेगा, तो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर बटन यहाँ पे आता है, इसको मैंने दबा दिया और गाड़ी इस समय न्यूट्रल में है। तो अभी गाड़ी बिल्कुल सीधी खड़ी है और मैंने स्टार्ट कर लिया है। पहले लीवर को हम थोड़ा सा आगे करेंगे, ये देखिए मैंने आगे किया, ये देखिए गाड़ी लेफ्ट टर्न ले रही है, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद मैंने इसी लीवर को पीछे की तरफ खींचना है। ये देखो आप दिखा रहा है ना यहाँ पे, अगर इसको हम पीछे की तरफ खींचेंगे, देखो तो गाड़ी राइट टर्न ले ली। गाइस, मैंने लीवर को आगे की तरफ पुश किया तो गाड़ी लेफ्ट टर्न ले ली और मैंने हल्का सा लीवर को पीछे की तरफ पुश किया तो गाड़ी हमारी राइट टर्न ले ली। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो गाड़ी पीछे वाला पार्ट इसका मूव होता है, ये देखो आप राइट की तरफ इस टाइम गाड़ी ने टर्न लिया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं अब दूसरे लीवर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि दूसरे लीवर का काम क्या है। दूसरा जो लीवर है वो हमारा बूम के लिए है। मैं आपको बता दूं कि अभी देखो गाइस, हमारा जो बूम है वो ऊपर उठा हुआ है, लेकिन मैं अभी दूसरे लीवर को आगे की तरफ हूँ, ये आप देखो बूम नीचे जा रहा है। मैंने दूसरे लीवर को आगे की तरफ और ये देखो हमारा बूम पूरा नीचे हो गया, ठीक है गाइस। इसी तरह से अगर मैं दूसरे लीवर को पीछे की तरफ पुल करता हूँ तो हमारा बूम दोबारा ऊपर उठ रहा है, ये देखो गाइस। जब तक आप इसको पीछे की तरफ खींच के रखोगे तब तक हमारा बूम हाइट पे जाता जाएगा।
तो अभी आप मेरे सामने देख रहे हो, मैंने अगर लीवर को आगे किया तो बूम हमारा नीचे आ गया, जब मैं लीवर को पीछे की तरफ खींचूंगा तो ये बूम हमारा ऊपर चला जाएगा, हाइट बना लेगा। जब हम किसी पीस को उठाते हैं तो बूम नीचे कर देते हैं और उसके बाद पीस को उठाने के लिए हम ऊपर कर देते हैं बूम। यही नहीं, अभी और सुनिए। सो गाइस, तीसरे लीवर के बारे में बात करने से पहले मैं एक बार गाड़ी को सीधा कर लेता हूँ और जो इसका बूम है उसको मैं उठा देता हूँ। बूम उठाने के लिए फिर से इस लीवर को पीछे की तरफ खींचेंगे। और फिर से गाड़ी को सीधा करने के लिए हम लेफ्ट की तरफ टर्न लेंगे। ये मैंने इसको आगे धक्का दिया। इस लीवर का काम हम वहां करते हैं जहां पे हमारी गाड़ी आगे नहीं जा सकती है और हमें आगे से कोई मशीन उठानी होती है, तो इस लीवर को हम आगे करेंगे तो हमारा बूम निकलेगा। ये देखिए, मैंने आगे कर दिया, हमारा बूम आगे निकल रहा है। सो गाड़ी का आपका बूम यहीं तक होता है। अगर आपको आगे से मशीन उठानी है, जैसे इतने आगे से उठानी है या फिर यहाँ से उठानी है, उसके लिए आप लीवर को आगे करके बूम को एक्सटेंड कर सकते हो। इसमें से दो बूम निकलते हैं, एक पहला एक दूसरा। ये आपका तकरीबन 20 फुट आगे तक जाएगा, जहाँ से आप यहाँ से 20 फुट आगे तक की मशीन आराम से उठा सकते हो। ये तीसरे लीवर का काम है। और लीवर को अगर आप पीछे खींचते हो तो फिर ये बूम अंदर को चला जाएगा। सो गाइस, जो बूम हमने बाहर निकाला था उसको अंदर करने के लिए हम इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, जिससे कि वो बूम रिट्रैक्ट हो रहा है और अंदर की तरफ आ रहा है। जब तक खींचेंगे जब तक वो पूरे अंदर में ना आ जाए। ये आखिरी लीवर है। तीन लीवर का काम आपने देख लिया और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। जो आखिरी लीवर है, इससे हम जो बूम के आगे रस्सा लगा होता है, वो देखो आप, वो जो रस्सा लगा हुआ है उसको हम नीचे या ऊपर कर सकते हैं। अगर मैं इसको आगे की तरफ करता हूँ तो वो जो हमारा कुंडा है वो नीचे की तरफ जाने लगता है। ये देखो आप, नीचे जा रहा है इस टाइम। मैं दिखा देता हूँ आपको। और अगर आप इसको पीछे की तरफ खींचते हो तो फिर से आपका जो कुंडा या रस्सा वो ऊपर की तरफ टाइट होता जाएगा। ठीक है गाइस। सो जो आखिरी लीवर का काम था गाइस, वो आप देख सकते हो। अगर मैं लीवर को आगे करता हूँ तो ये रस्सा जो है नीचे की तरफ होने लगता है। ये बहुत नीचे तक आ सकता है। जैसे कि हमें कोई पाइप वगैरह बेसमेंट में डालनी होती है, कोई मशीन वगैरह बेसमेंट से निकालनी होती है, तो वहाँ पे इस रस्से का काम होता है, इस हुक का काम होता है। अगर मैं लीवर को पीछे खींचूंगा तो फिर से ये रस्सा ऊपर चला जाएगा बूम में। ठीक है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियो देखने के लिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो और कमेंट में ज़रूर आप बताओ कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा या आपके कौन कौन से डाउट है। वो सारे डाउट मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा।